अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सफ़र है वो है इस्लामाबाद से कलरकहार लेक यानी सून वैली। अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जाना चाहते हैं कलरकहार लेक या कलरकहार झील, झूले वगैरह इंजॉय करना चाहते हैं, झील का मज़ा लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को इंजॉय करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मज़ीद आपको इस तरह अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहें। अब हम कलरकहार यानी सून वैली पहुँच गए हैं, जिसको कलरकहार लेक बोलते हैं। ये तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से और आपका जो सफ़र है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में तय होता है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है आप आसानी आ सकते हैं। जैसे ही कलरकहार पहुँचेंगे तो वहाँ से कलरकहार इंटरचेंज से आप सीधा सून वैली की तरफ टर्न करेंगे, तो ये आप तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पे है मोटरवे से कलरकहार की ये छोटी सी बाज़ार। तो अब हम इस छोटी बाज़ार में पहुंच गए हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाएंगे लेक की तरफ। यहाँ पर फैमिली के लिए इन्होंने अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, यानी खूबसूरत सा पार्क भी बनाया है और बच्चों के लिए हर टाइप के झूले यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो है, अगर आप घोड़े वगैरह पे बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर घोड़े भी मौजूद हैं, घोड़े यानी हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स, आपको व्लॉग कैसे लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपने राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।